तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं यंग ब्रू मास्टर एडवेंचर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने इसका पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो क्या वेट कर रही हो, जाकर चेकआउट कर लो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स या फिर द मैजिकल लेजेंड का एपिसोड देखना है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उल्लू जो है अभी भी भाग रहा था। तभी वो लड़की पूछती है कि आखिर में वो पर्सन कौन था जो कि वहाँ पर आया था। हम देखते हैं कि बाइलीडोंग ली मैंगसा से पूछता है कि क्या स्वान जो है अकेले वहाँ पर हैंडल कर पाएगा। तो ये सुनकर ली मैंगसा बोलता है कि देखो, जो यंग मास्टर क्विन गी है यानी कि लू स्वान, उसको जो आदत है एक बहुत ज्यादा धमाकेदार एंट्री करने का, लेकिन तुम जो उसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हो। उसका पावर बहुत ज्यादा है और मुझे पूरा यकीन है कि उन लोग चाह के भी उसको नहीं रोक पाएगा। और फिर तभी बाई पूछती है बाइली डोंग से कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं यंग मास्टर। तो ये सुनकर मैंगसा बोलता है कि हम लोग जो सिरू टेम्पल में जा रहे हैं जो कि कुछ दूर ही है यहाँ पर से, और बोलता है कि हम लोग वहाँ जाके बात करेंगे कि आखिर में तुम लोगों के साथ हुआ क्या, और वहाँ से चला जाता है आगे। तो ये सुनकर बाइलीडोंग सोच में पड़ जाता है, मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लू स्वान जो है अभी भी बांसुरी बजा रहा था। हम देखते हैं कि जो मैनेजर सियाफ है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था लू स्वान पर। अब बोलता है एट यंग मास्टर हैं बाइली कॉन्टिनेंट के, उनमें से तीन यंग मास्टर चाइसुंग सिटी में आ चुके हैं, ये वाकई में बहुत ज्यादा ही अनफेयर है, और उस पर अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो पर्सन जो है अपना बांसुरी का यूज करके उसका अटैक रोक देता है। देखकर मैनेजर सियाफ बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जो है यहाँ पर सियान फ्रैक्शन में जो करना चाहो कर सकते हो, नहीं। और उन लोग का फाइट शुरू हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मेजर सिया उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि लू स्वान जो है अभी उस पर अटैक नहीं कर रहा था, बस वो जो है उससे बचने में ध्यान दे रहा था। और फिर हम देखते हैं उन लोग का एक शानदार फाइट, लेकिन तभी हमारा फाइट का मजा किरकिरा हो जाता है क्योंकि जो लू स्वान है उस पर अटैक करता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, और हम लोग का फाइट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तुमने सही कहा कि हम लोग तीन यंग मास्टर जो है इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर सात यंग मास्टर हो जाएं तो। और वो वहाँ से चला जाता है। तो ये सुनकर जो मैनेजर सियाफ है वो सोच में पड़ जाता है। तभी वो फैटी बोलता है कि हम लोग को जल्द से जल्द जाके मास्टर को इसके बारे में बताना होगा। और हम देखते हैं कि मैनेजर सियाफ अभी भी सोच में था, लगभग सारे आठ यंग मास्टर जो है इसमें इन्वॉल्व क्यों होना चाहते हैं। हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है सिरू टेम्पल का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सर्पेंट जो है उस टेम्पल के ऊपर ही आराम कर रहा था, नजर रखा हुआ था। और हम उस टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ली मैंगसा है बाइलीडोंग पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे पता चला कि ये बंदा जो है अपने फैमिली से चोरी कर यहाँ पर वाइन शॉप चालू किया हुआ था। और हम देखते हैं कि वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। ये देखकर जो बाई है उसको गुस्सा आ जाता है, उसके पैर पर मारती हुई बोलती है कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ, तुम मेरे यंग मास्टर से ऐसे बात करो। और फिर तभी हम देखते हैं कि बाइलीडोंग का नजर जो है वहाँ पर सी कोंग पर पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सी कोंग को जो है बहुत ज्यादा हालत खराब हो रहा था और उसको जो उल्टी जैसा लग रहा था। ली मैंगसा है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ये देखकर सीकोंग बोलता है कि तुम मेरे पास मत आओ, मत आओ। ली मैंगसा है सीकोंग को बोलता है कि तुम यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि तुम्हें जो है यहाँ पर खाना और वाइन फ्री में मिल रहा था, और वो उस पर गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीकोंग का हालत खराब हो रहा था, अब बोलता है कि अब मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ, और फिर वो जो है वहीं पर उल्टी कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि ली मैंगसा है वो जो है उन लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से इन लोग जो है रिफोर्समेंट भेजा गया है यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए, लेकिन जब उससे पता चला कि इन लोग तो बस यहाँ पर ऐसे घूमने के लिए आया हुआ था तो वो पागल जैसा बिहेव करने लगता है। सी कोंग का हालत खराब हो रहा था, ये देख कर बाइलीडोंग कम्फर्ट देने लगता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। ये देख कर वो बाई बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सब चीज जो है उस बांसुरी वाले लड़के के कारण हो रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़का आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोग का आवाज बहुत दूर से ही सुन सकता हूँ, समझे। तो हम देखते हैं कि लू स्वान को देख कर बाई बोलती है कि यंग मास्टर वो बांसुरी वाला लड़का यहाँ पर आ गया है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।